राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर के नजदीक अव्यवस्थित तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। इस समस्या को लेकर कई बार क्षेत्रवासियों ने टाटा पावर को लिखित में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। टाटा पावर की यह लापरवाही कभी भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि फिलहाल तो स्कूल नहीं खुली है, लेकिन आगामी दिनों में स्कूल भी खुलेंगी और बच्चे भी यहां मौजूद होंगे। ऐसे में कोई बड़ी जनहानि न हो, इससे पहले ही टाटा पावर सुध ले। इसीलिए सभी क्षेत्रवासी आज एकत्रित हुए और टाटा पावर को चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द अपनी लापरवाही को सुधारें, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, अमूमन देखा जाता है कि जो पास में इलेक्ट्रॉनिक का बोर्ड लगा हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं, और इस संदर्भ में हमने ये कार्रवाई की है कि डिपार्टमेंट को, जो टाटा पावर है, उसको हमने पत्रव्यवहार भी किया है, उनको हमने लेटर भी लिखा है, तो उनकी तरफ से आश्वासन भी मिला है कि निकट जल्दी इसको करवा देंगे। तो अब ये उन पर डिपेंड है कि वो कब तक करवाते हैं, बाकी हमारी तरफ से लगातार उनका ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। कितनी बार आप लिख चुके हैं टाटा पावर? उनको 2 बार लेटर लिख चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? हाँ, अभी तक तो बच्चे हैं नहीं, संभावनाएँ तो पूरी बनी रहती, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी रखते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं फिलहाल, लेकिन बच्चे हैं नहीं है। ये सिनेवर चौराहा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर है, और यहाँ पे ये टाटा पावर की मेहरबानी से खुले तार पड़े हैं। स्कूल प्रशासन ने बार बार अवगत कराया टाटा पावर को, जिला प्रशासन को, उसके बावजूद भी स्थिति यह है कि ये तार आज तक खुले पड़े हैं। अभी तो ठीक है, हादसा इसलिए नहीं होगा, बच्चे नहीं आ रहे हैं, वरना होता क्या है, बच्चे आते हैं, बच्चे छोटे प्राइमरी स्कूल वाले भी आते हैं, सीनियर वाले भी आते हैं, कई बार लेट स्कूल खुलती है, मतलब जल्दी बच्चे आ जाते हैं, तो स्थिति यह रहती है कि बच्चे इधर से कूद कूद के अंदर जाते हैं, और तार इस तरह से खुले पड़े हैं, हादसों को निमंत्रण दे रहे एक तरह से, और टाटा पावर को बार बार लिख के भेजा के इसके फिनिशिंग करवा दो, तार लगवा के फिनिशिंग करवा दो, ताकि हादसा नहीं हो, वरना कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और आज स्थिति यह है कोई प्रशासन में सुनने वाला नहीं। कितने मीटर लगे हुए और ये किस चीज़ के मीटर हैं? ये जितने ठेले लगे हुए हैं यहाँ पे, अतिक्रमणधारी जितने भी ठेले हैं, सबके कनेक्शन हो रखे हैं, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि आप रोड पे कनेक्शन नहीं दोगे बिना रजिस्ट्री, बिना पट्टे के, बिना किसी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता है, कई बार ये अभी पिछले 10 दिन पहले इस केबिन के यहाँ आग लगी है, स्पार्किंग हुई, धुआं उठा, हम लोग उठ उठ के भागे, कई बार स्थिति होती है कि स्पार्किंग होती है तारों में, हमने कई बार ठीक करवाया, एक बार गाय भी मरी थी, जिला प्रशासन को 2 घंटे तक सूचना दी, उसके बाद में भी है ना कोई नहीं आया, जब गाय मरी उसके बाद आए थे।